हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ब्राइटेस्ट का और एक एक्साइटिंग पार्ट, जहाँ पर डेड मैन और बाकी सब लोग आखिर रेजरेक्ट किए हुए हैं और उनके रेजरेक्ट होने के पीछे का रीजन क्या है। तो चलिए ज्यादा बकवास न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जॉर्ज टाउन, जहाँ पर एक बर्गर कैफे में डब और डेड मैन दोनों बर्गर खाने आए थे, जहाँ पर एक लेडी उन्हें सर्व करते हुए कहती है एंजॉय योर मील, तब वो दोनों उसे थैंक्स कहते है। आगे डब उससे कहती है तो रिंग ने एक डीप डार्क सीक्रेट रिवील किया कि तुम्हें चीज़बर्गर्स बहुत पसंद है, तो तुम आखिर राह किसकी देख रहे हो। तब अपने हाथ में चीज़बर्गर उठाते हुए उसे देखते हुए डेड मैन उसे खाने लगता है। तब डव कहती है क्या ये पहले जैसा ही है। तब डेड मैन कहता है नहीं, उससे भी अच्छा, यहाँ पर मुझे लाने के लिए थैंक्स डाउन। तब वो कहती है मुझे नहीं, हैंक को थैंक्स कहो, क्योंकि उसने कहा था कि चीज़बर्गर्स यहाँ पर अच्छे मिलते है। आगे वो पूछती है तो बताओ अपने बारे में कुछ। तब वो कहता है मुझे लगता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ, कि मैं मर चुका था और अब मैं मरा नहीं हूँ। तब वो कहती है लेकिन उससे पहले। तब वो कहता है मेरी लाइफ कुछ स्पेशल नहीं थी, कभी भी नहीं। तब वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक की लाइफ अपने नजरिए से स्पेशल होती है, तुम्हारी खुद की भी होगी बॉस्टन। तब वो आगे कहती है तुम्हें लगता है कि रिंग तुम्हें एक रीजन की वजह से वापस लाई है, मुझे लगता है कि तुम हैंक के लिए वापस आए हो, और जो आवाज मैंने सुनी थी वही आवाज मैंने सुनी थी जब नेक्रॉन अर्थ पर था, मुझे लगता है कि मैं तुमसे और इन सब से कनेक्टेड हूँ। तब वो कहता है मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मुझे पता चल जाए कि मैं चुना क्यों गया। तब वो कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम इससे खुश हो, तुम्हें सेकंड चांस मिला है और तुम फिर भी खुश नहीं लग रहे। तब वो कहता है हाँ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह ही। तब वो कहती है हैंक मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरा पार्टनर है। तब वो उसे कहता है पार्टनर किस चीज में। तब वो बताती है कि वो और मैं, हमें दोनों को पावर्स मिली है एक फोर्स से जो कि हमारे वर्ल्ड के बाहर से है, और वो बना अवतार ऑफ वॉर और मैं बनी अवतार ऑफ पीस। तब वो कहता है तो वॉर और पीस एक साथ काम कैसे कर सकते है। तब वो बताती है कि ये थ्योरी एक कॉस्मिक एक्सपेरिमेंट के दौरान साबित हो गई है, और मेरे जैसे लोग ही और उसके जैसे लोग दोनों आपस में मिलकर एक बियॉन्ड तैयार करते हैं पर्सनल जर्नी के लिए, और मैं यहाँ पर हैंक को कंट्रोल करने, उसके गुस्से को काबू में रखने और उसके लाइफ में बैलेंस करने के लिए हूँ। तब वो कहता है और इसके बदले में हॉक क्या करता है डब के लिए। तब वहाँ पर हॉक आता है और कहता है मैं उसे प्रोटेक्ट करता हूँ। तब वो बताती है कि मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, और वो बर्गर खाते हुए वो कहता है तो चलो ये बर्गर खाते है, क्योंकि हमारे पास एक यही रास्ता है अनरिवील चीजों को सुलझाने का और उस बैड मिस्ट्री तक पहुंचने का। और तभी वो रिंग कहती है आई होप आपने अपना मील एंजॉय किया होगा, और वो टेलीपोर्ट करती है उन सभी को उस व्हाइट लैंटर्न के पास, और इसी के साथ हमारा एपिसोड शुरू होता है द सीक्रेट ऑफ लाइफ। यहाँ पर हम देखते हैं सिल्वर सिटी न्यू मैक्सिको में, जहाँ पर वो लैंटर्न अभी भी गिरी हुई थी, और वो तीनों ही वहाँ पर टेलीपोर्ट होते हैं, यानी कि हॉक, डव और डेड मैन। जहाँ पर रिंग उससे कहती है बोस्टन ब्रांड ऑफ अर्थ तुम तैयार हो। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े लोग उन्हें देखकर चौंक जाते हैं, और वहाँ पर खड़े ऑफिसर्स उनसे कहते हैं रुको, क्योंकि हमें ग्रीन लैंटर्न से स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स मिले हैं कि वहाँ पर कोई भी ना जाए। तब हॉक कहता है कि मेरे पास जो आदमी है उसने भी उसके जैसे ही एक रिंग पहन रखी है, हम कवर कर लेंगे ऑफिसर। तब वो ऑफिसर कहता है तो ठीक है, लेकिन मुझे पहले ग्रीन लैंटर्न को इन्फॉर्म करने दो इससे पहले कि तुम कुछ करो। तब आगे बढ़कर हॉक उस लैंटर्न को उठाने जाता है, लेकिन वो उठ नहीं पाती। तब वो कहता है कि शायद ये फंसी हुई है, लेकिन बॉस्टन उसे उठाते हुए कहता है नहीं, ये फंसी हुई नहीं है। तब डब उसे समझाती है बॉस्टन रुको, हमें नहीं पता कि ये क्या कर सकती है। तब वो कहता है हाँ, मुझे यही जानना है कि ये क्या कर सकती है और मुझे वापस क्यों लेकर आई। और तभी वहाँ पर खड़े जैक्सन नाम के एक आदमी को अचानक दोहरा पड़ता है। तब उसकी गर्लफ्रेंड कहती है जैक्सन तुम ठीक हो। तब वो कहता है नहीं, मुझे वियर्ड फील हो रहा है मारिया, लगता है जैसे मैंने अपने हाथ इलेक्ट्रिक सॉकेट में डाल दिए हो। यहाँ पर बॉस्टन उस लैंटर्न को उठाते हुए कहता है तो लैंटर्न बताओ कि तुम मुझे वापस क्यों ले आई। तब लैंटर्न कहती है बॉस्टन ब्रांड ऑफ अर्थ तुम्हें लाइफ को फिर से जगाना होगा, तुम्हें लाइफ को गले लगाना होगा। जब उसे बचाने आगे जाती है तब वो कहता है नहीं, पीछे रहो डब। और वो पूछता है मुझे जानना है कि तुम हो कौन। तब वो एंटिटी जवाब देती है मैं हूँ एक एंटिटी जो तुम लोगों को वॉच कर रही है कई दिनों से, जैसे कि इस एग्जिस्टेंस के बिगिनिंग से, लेकिन अब मैं मर रहा हूँ और मेरे रिप्लेसमेंट को चूज कर लिया गया है।
तुम में से हर एक वापस आया प्रोटेक्ट करने को इस दुनिया को, और जब तक नया चैंपियन नहीं आ जाता तुम सभी यही करोगे। और वो कहती है हैंग कॉल ऑफ अर्थ, तो वो कहता है बताओ तुम क्या कहना चाहती हो, तुम मुझे वापस क्यों ले आई। और तभी हम देखते हैं टनामी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पर मिस मार्शियन मार्शियन मैनहंटर की गोद में पड़ी हुई थी और वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था अपना माइंड ओपन करो और मुझे अपने थॉट्स पढ़ने दो ताकि मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जान सकूं। कि तभी व्हाइट लैंटर्न का इम्पैक्ट उस पर भी होता है और उसके हाथ में एक व्हाइट लैंटर्न रिंग आ जाती है जो कहती है जॉन जोन्स ऑफ मार्स चलाओ, जला डालो उसे, सब कुछ जलाओ। और तभी वो अपने इल्यूजन में बड़बड़ा रहा था कि रुको मत करो ऐसा, इसे मत जलाओ, तुम उसे मार दोगे। और तभी उस व्हाइट लाइट के वजह से मिस मार्शियन जाग उठती है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तब वो कहती है जॉन मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है जो हमारे लिए काफी खतरनाक हो सकती है, कि अभी भी एक मार्शियन घूम रही है बाहर। यहाँ पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में जेसन और रॉनी दोनों मिलने आते हैं प्रोफेसर से, जहाँ पर वो कहता है मैंने तुमसे कहा था कि फायरस्टॉर्म फॉर्म मत करना, ये डेंजरस हो सकता है तुम दोनों के लिए। तब वो कहता है कि उनसे कहो कि हमने ये नहीं किया। आगे रॉनी उनसे कहता है वो आदमी लगभग मर जाता प्रोफेसर अगर हमने ये नहीं किया होता, और आपको क्या लगता है कि हम पागल है ये करने के लिए। तब वो कहता है नहीं तुम पागल नहीं हो लेकिन होने वाले हो। तब जेसन कहता है लगता है उन्हें कुछ परेशान कर रहा है, पूछो उनसे। तब रॉनी पूछता है प्रोफेसर आखिर बात क्या है। तब प्रोफेसर कहते हैं ये सब मेरा फॉल्ट है। तब आगे वो बताते हैं कि एक्सप्लोजन के प्रॉब्लम की वजह से एक प्लग्ड तुम दोनों के फायरस्टॉर्म मैट्रिक्स में बॉन्ड हो चुका है। तब वो कहता है कि वो आवाज किसकी है। प्रोफेसर आगे कहते हैं वो वॉइस मैनिफेस्टेशन है थर्ड और फाइनल स्टेज फायरस्टॉर्म मैट्रिक्स का। तब जेसन कहता है थर्ड और फाइनल स्टेज फायरस्टॉर्म मैट्रिक्स का इसका क्या मतलब है। और वो आगे बताते हैं कि मुझे तुम दोनों को कुछ दिखाना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगे। लेकिन तभी रिंग उससे कहती है रॉनी रेमंड ऑफ अर्थ तुम्हें स्टडी करने की जरूरत है, और एक चमक उन दोनों को छू लेती है और आगे कहती है जेसन ऑफ अर्थ तुम्हें अपना सिर बुक्स में से बाहर निकालने की जरूरत है ताकि तुम एक दूसरे से सीख सको और इसे रोक सको। और हम देखते हैं ब्लैक लैंटर्न फायरस्टॉर्म को उसके हाथ में ब्लैक लैंटर्न लिए जो कहता है ये मुझे नहीं रोक सकते, और लैंटर्न कहती है कि उन्हें मुझे डिस्ट्रॉय मत करने दो। और यहाँ पर रोनाल्ड और जेसन दोनों ही बेहाल थे इस झटके की वजह से, और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तब चौंक जाते हैं क्योंकि वो दोनों ही स्विच हो चुके थे, यानी कि फायरस्टॉर्म अब बन चुका था जेसन और उसके माइंड में था रॉनी रेमंड। और यहाँ पर ब्लैक लैंटर्न उनसे कह रहा था तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अंदर रोक पाओगे तो तुम गलतफहमी में हो, क्योंकि मैं एक ना एक दिन बाहर आऊंगा और उन सबको मार दूंगा। हॉक वर्ल्ड, जहाँ पर हॉकमैन अभी भी उस क्रीचर को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था और कह रहा था तुम आखिर कह क्या रहे हो कि ये हॉक वर्ल्ड है। तब वो कहता है हाँ मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। तब वो आगे कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हॉक वर्ल्ड है ही नहीं, हॉक वर्ल्ड तबाह हो चुका है। जिस पर वो कहता है तुम जहाँ पर खड़े हो वो हॉक वर्ल्ड ही है, और अगर तुम्हारे पास विंग्स है तो तुम यहाँ पर फिट हो, समझ गए। तब वो पूछता है कि आखिर वो है कहाँ पर। तब वो क्रीचर उसे बताता है उस गर्ल को जिसने स्मैश किया उसे वो वहीं पर ले गए जहाँ पर उन सभी को ले जाते हैं। तब वो कहता है कि तुम लोग हमें खाने की कोशिश करते हो। तब वो बताता है हाँ यही तो पॉइंट है, लेकिन जब से तुम आए हो तब से तुमने एक भी मैन हॉक वाली हरकत नहीं की है, तुम हमारे फेवर में हो इसलिए हम अब तक तुम्हें नहीं खा रहे। और रही बात तुम्हारी उस लड़की की, तो मेरे पंखों वाले दोस्त वो उसे वहीं पर ले गए हैं जहाँ पर वो सबको ले जाते हैं, वहाँ ऊपर, जहाँ पर वो कहता है तो मैं अभी कहाँ पर हूँ। लेकिन तब तक वो व्हाइट लाइट उसे भी छू चुकी थी जो कहती है कार्टर हॉल ऑफ अर्थ तुम्हें उन लोगों को यहाँ से जाने से रोकना होगा, तुम्हें उस क्वीन को रोकना होगा। तब वो सभी लोग उस व्हाइट लाइट को देखकर चौंक जाते हैं और भविष्यवाणी के बारे में बातें करने लगते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि ह्यूमन इस हॉक वर्ल्ड का एंड लाएगा। यहाँ पर एंथ सिटी में हॉक गर्ल को कैद कर लिया गया था और उस पर टॉर्चर किया जा रहा था, और उन लोगों को ऑर्डर्स मिले थे उसके विंग्स को हटाने के, जहाँ पर वो कहती है मुझे तुम लोगों को मारने के लिए विंग्स की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ख्याल ऐसे भी रख सकती हूँ। और तभी पिंजरे में कैद शायरा हॉल पर एक चमक आ गिरती है जो कहती है शायरा हॉल ऑफ अर्थ
अपने लवर को मरने से बचाओ हाथ सेट के हाथों, क्योंकि अगर तुम मरे तो फिर से रेजरेक्ट नहीं हो पाओगे। और तभी वहाँ पर हाथ सेट आता है उसे पुकारते हुए और कहता है, ये लिटिल डेमोन्स्ट्रेशन तुम्हारी पावर का इंटरेस्टिंग था और इस वजह से मेरी क्वीन काफी खुश होगी। तब वो कहती है, तुम्हारी क्वीन कौन है वो? तब वो कहता है, वो मेरा प्यार और तुम्हारा खात्मा है। आगे एक्वामैन और मेरा में बात चल रही थी, जहाँ पर वो कहती है, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहती थी। तब वो कहता है, मुझे पता है मेरा, और ऑनेस्टली इस वजह से हमें कुछ भी नहीं बदलेगा क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और वो उस काले समुंदर और मरे हुए फिशेस को इंस्पेक्ट कर रहा था। तब वो कहती है, आर्थर हमें अटलांटिस जाना चाहिए, तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है मेरे सिस्टर और उसके मर्सिनरीज से, क्योंकि उन्होंने जो प्लान किया है सरफेस के वर्ल्ड के अगेंस्ट वो तुमसे भी बड़ा है, वो तुम्हें भी मारने की कोशिश करेंगे। और तभी व्हाइट लाइट आती है आर्थर करी पर, कहती है, आर्थर ऑफ अर्थ इसे ढूंढो। और उसी बच्चे का चेहरा उसके सामने आता है जो पहले हमें दिखा था, पहले इसे ढूंढो, इससे पहले कि वो इसे ढूंढ ले। और तभी वो व्हाइट लाइट उस समुद्र को साफ कर देती है और उन फिशी को फिर से जिंदा कर देती है। तब उसे देखते ही वो दोनों ही चौंक जाते हैं। तब वो मेरा से कहता है, मुझे लगता है कि मुझसे भी बहुत कुछ बड़ा है मेरा, जो उन सभी को अफेक्ट करने वाला है। आगे हम देखते हैं सभी के विजन्स जो कि वापस आ चुके थे, डिगर हार्कनेस ऑफ अर्थ, जिसे बताया जाता है कि डब की तरफ बूमरैंग फेंक कर उसे मार दो, जेनी हाइडन ऑफ अर्थ, जिसे कहा जाता है कि बैलेंस करो डार्कनेस को और तुम्हारा ब्रदर सबको बचा लेगा, एमोन टोमास ऑफ अर्थ, जिसे कहा जाता है कि फ्री करो गॉडेस ऑफ नेचर को और अपनी बहन के साथ आइसिस को भी फ्री करो, मैक्सवेल लॉर्ड ऑफ अर्थ, जिसे कहा जाता है कि मेगाप को वॉर शुरू करने से रोको और इस वॉर को शुरू करने से पहले ही खत्म कर दो, और इओवार्ड को कहा जाता है कि तुमने अलाव किया फ्लैश को एस्केप करने के लिए स्पीड फोर्स से, मिशन अकम्प्लिश्ड हुआ और तुम्हें तुम्हारी लाइफ वापस दी जाती है। और आखिर में हम देखते हैं हैंक हॉल का विजन, जिसे कहा जाता है कि हैंक हॉल ऑफ अर्थ, बूमरैंग को पकड़ो इससे पहले कि डव को मार दे। और तब हैंक डव के नाम से चिल्लाते हुए विजन से बाहर आता है। यहाँ पर वो लोग अभी भी वहीं पर थे जहाँ पर विजन शुरू हुआ था और जहाँ पर वो लैंटर्न थी। तब वो लैंटर्न उनसे कहती है कि अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो मेरी मदद करो। तब डेडमैन उसे हाथ में लिए कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि ना चाहते हो तो? तब वो बताती है कि लाइफ एक गिफ्ट है बॉस्टन ब्रांड और चूजन वन तुम सबसे बेहतर जाता है इस बात को। तब वो कहता है, लेकिन कौन है चूजन वन? तब वो रिंग कहती है, एक न्यू प्रोटेक्टर अर्थ का जो कि अभी राइज होगा। और जैसे हर एक गुड रिंग करती है स्कैन करती है एक सेंटिएंट के लिए रिप्लेसमेंट में, वैसे ही बॉस्टन ब्रांड ऑफ अर्थ तुम्हें भी उसे ढूंढना होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने सजेशंस दे कमेंट में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।